तो ये हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट है और वो साइड जो आप देख रहे हैं ब्रिज भी कंप्लीट है और उस साइड का अप्रोच भी कंप्लीट है और उसमें हमने जैसे बीटी वो करके रखा है, बीसी जो इसमें ब्रिज पे आता है वो भी करके रखा, अभी थोड़ा सा ये रह गया तो कल इसमें हमने बीटी करना है, ये वाला साइड भी तैयार है। तो कितना चैलेंजिंग था ये आपके लिए इतने कम समय में बनाना? बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ा। सबसे पहले मतलब जैसे हम काम करते हैं सारों का यही फोकस होता है कि ये इन्होंने काम शुरू किया लेट हो गया, बट एक्चुअली आपने देखना जब हमने ये रोड स्टार्ट किया यहाँ पे फ्लाईओवर बनना था उससे पहले हमने इसके सर्विस रोड तैयार करने थे, तो लेफ्ट राइट हमने बोथ साइड इसका सर्विस रोड पहले बनाया, उसके बाद आप जो ये देख रहे हैं पीडी ये भी इसी में था, ये शिफ्ट हो गया, और तीसरा पॉइंट था इसमें पीएचई लाइन थी वो भी शिफ्ट करनी थी। ये बहुत सारे मतलब चैलेंज ऐसे होते हैं ना जो लोग आम लोगों को पता नहीं होता। वो तीसरी बात सबसे बड़ा जो हमारा चैलेंज था यहाँ पे वो था जॉलजी माइनिंग का, यहाँ पे मतलब आपको भी पता हो पिछले कुछ एक दो साल से ये इसका पंगा चल रहा है रॉयल्टी का, जैसे अब ये ना ड्यूकाम साहब की मेहरबानी से और एलजी साहब ने भी इसमें बहुत ज़्यादा मतलब पर्सनली उन्होंने अप्रोच करके अब हमको परमिशन मिल गया और जिसमें हमने अपना काम फास्ट कर दिया, अभी हमारा काम ऑलमोस्ट कंप्लीट है, कुछ दिन की बात है, चाहे दो दिन चार दिन में बोल सकता हूँ कितने दिन लगेंगे, लगभग चार पाँच दिन, मतलब इस महीने ये कम्प्लीट होना ही होना है। इससे बहुत राहत मिलेगी क्योंकि यहाँ पर पहले ये बहुत ट्रैफिक हुआ करता था, यहाँ से कॉन्वाई गुजरती है तो बहुत यहाँ ट्रैफिक पूरा बंद रहता है, तो यहाँ क्रॉस करने में भी हमें प्रॉब्लम होती है, तो अगर ये फ्लाईओवर बनेगा तो इसे बहुत राहत मिलेगी, मतलब ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं होगा क्योंकि हमारे मोहल्ले के साइड से भी गाड़ियाँ उतरती थी ऐसे, हमें निकलने में प्रॉब्लम होती थी, गेट से निकलने से डर लगता था हमें, तो वो बहुत हद तक कम होगा, मतलब पूरा कम ही होगा, तो इससे हमें बहुत राहत मिलेगी और मतलब मूवमेंट भी अच्छे से होगी, तो ये बहुत बढ़िया स्टेप है। आपको लगता है गवर्नमेंट का अच्छा स्टेप है ये? जी जी, ये गवर्नमेंट का बहुत अच्छा स्टेप है, ये स्टेप है, तो हम इसका कम्प्लीशन का वेट कर रहे हैं, हम सब इसके इंतज़ार में ताकि ये ट्रैफिक से सबको राहत मिल जाए, तो ताकि सब अच्छे से फिर मूवमेंट कर सके, वरना यहाँ तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, बहुत बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है और इतनी धूल मिट्टी है, और ये भी सब ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ हाउसेस को भी देखो कितना गर्दा चढ़ता है इनकी वजह से, अब ये जब कंस्ट्रक्शन इंशाल्लाह ख़त्म होगी तो सब क्लियर हो जाएगा, ट्रैफिक भी क्लियर हो गया, सब कुछ कॉन्वाई भी सब क्लियर हो जाएगा।